हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजेबल है। अधिकांश ऑनलाइन से हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अधिकांश कोई भी सामान और भी कंपनियों से मंगाते हैं, बट वो कभी कभार जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसके बारे में मैं जानकारी दूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैंने अपने एक लॉन्ग कुर्ती को मंगाया हुआ है। जो ये लॉन्ग कुर्ती है, ये मैंने जो साइज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। मगर अधिकांश हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमने ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को मंगाने के बाद जब हमें समय होगा तब हम उसको पहन लेंगे और ऐसा करके उसको उठा करके रख देते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभार उसका साइज़ चेंज आ जाता है, कि कभी हर कंपनी का अपना साइज़ अलग अलग होता है और उस साइज़ से कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को पहन करके ज़रूर चेक कीजिएगा, उसकी रेट स्लिप ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं उसमें कोई दाग धब्बा कट वगैरह तो नहीं है ये ज़रूर चेक कीजिएगा। जो एसेसरीज उसमें आपको दिखाई गई हैं वो चीज़ है या नहीं है। अब जैसे इसमें बेल्ट है तो कभी कभार उसमें वो बेल्ट भी रखी हुई नहीं आएगी, तो आपको जो रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा तब उस समय आप शिकायत भी कर सकते हो और मंगा भी सकते हो। और इस चीज़ को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।